गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट वाले में कुछ एरर स्पॉटिंग थी, कुछ एरर हमें निकालने थे। देखो क्या कहता है जी, ये क्या कहता है, ये कहता है एक्टिविस्ट हैज स्टार्टेड ए सोशल मीडिया कैंपेन अगेंस्ट द एलेज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना अलोंग द रिवर साइड। एक्टिविस्ट जो है ना, सोशलिस्ट ये जो ग्रुप वगैरह हैं लोगों के, इन्होंने क्या किया जी, स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया जी, स्टार्ट किया एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया। किस चीज़ के खिलाफ? अगेंस्ट दी एलेज्ड, कथित तौर पे जो डिस्ट्रक्शन की जा रही है, तबाही की जा रही है, किस चीज़ की? फ्लोरा एंड फौना की। फ्लोरा होता है फ्लावर, फौना होता है रिलेटेड टू एनिमल्स, फ्लो, ठीक है, वनस्पति और वन्य जीवों की। कहाँ पर? अलोंग दी रिवर साइड। उनके खिलाफ एक्टिविस्ट ने एक तरह की कैंपेन स्टार्ट की। तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का एरर मिला। सब्जेक्ट था एक्टिविस्ट यानी प्लूरल, तो इसे वर्ब भी प्लूरल लगानी थी। इसे क्या लगाना था? हैव लगाना था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में इसके एरर था। अब सेकंड को पढ़ो। सेकंड में क्या कहते हैं जी, शुगर स्वीटन ड्रिंक्स डज नॉट पोज एनी पर्टिकुलर हेल्थ रिस्क एंड आर नॉट एन एक्सक्लूसिव रिस्क फैक्टर फॉर ओबेसिटी और हेल्थ डिसीज। क्या कहते हैं भाई, शुगर स्वीटन ड्रिंक, भाई चीनी मिली हुई ड्रिंक्स, जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बेसिकली होती है, डज नॉट पोज, कोई कारण नहीं बनती किस चीज़ का? हेल्थ रिस्क का। और ना ही ये कोई और रिस्क फैक्टर बनाती जिससे ना आपकी ओबेसिटी बढ़े ना ही आपका हार्ट डिजीज। यानी कहते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक पीने से बीमारी वगैरह लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता, आराम से मजे से पियो, ठीक है। ये बात कहना चाह रहे हैं कि ना तो ओबेसिटी बढ़ेगी, ना ही कोई हार्ट की डिसीज होगी, और ना ही कोई और पर्टिकुलर हेल्थ रिस्क आपको आएगा। एरर वही सब्जेक्ट वर्ब का। ड्रिंक्स क्या थी? सब्जेक्ट मेरा प्लूरल था, तो वर्ब भी कैसी आनी थी? प्लूरल आनी थी तो फिर डू आता डज की बजाय, ठीक है। इसके अंदर एरर था जी, इसके अंदर एरर था आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर। आगे देखो क्या कहता है। आगे कहता है, सेलिब्रेटिंग इट्स 10 ईयर्स इन द इंडस्ट्री, ए प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल अनाउंस ए सीरीज ऑफ प्रोग्राम एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई क्या कहता है, 10 साल सेलिब्रेट करते हुए इंडस्ट्री के अंदर एक प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल ने क्या किया जी, अनाउंस किया सीरीज ऑफ प्रोग्राम का एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आपको पता है सेलिब्रेटिंग क्या है, वी वन प्लस आई एन जी है। सेलिब्रेटिंग व्हाट? इट्स 10 ईयर्स, ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आगे क्या कहता है, वेयर इन द इंडस्ट्री, ये पूरा सेलिब्रेटिंग से लेके इंडस्ट्री तक, ये पूरा हमारा पार्टिसिपल का फ्रेज था। क्या था जी? पार्टिसिपल का फ्रेज था। हम डैंगलिंग पार्टिसिपल का एरर करते थे ना, इस सेलिब्रेटिंग का सब्जेक्ट कौन था, कौन कर रहा था सेलिब्रेट? एक प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल, ठीक है। अब ये सारी पास्ट की बात है, कैसे पता चला पास्ट की बात है? भाई करते हुए 10 साल सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने घोषणा की थी, तो ये पास्ट की बात है। सेंस कहती थी पास्ट में आना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर अनाउंस की बजाय क्या आ जाता, अनाउंसड आता, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती। और फिर भी कोई बच्चा कहता कि नहीं जी, पास्ट की सेंस नहीं निकाल पा रहे, हम तो कहेंगे प्रेजेंट में। प्रेजेंट में है तो भी आप एक बार देखो, चैनल तो सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहाँ वर्ब लगा रहा था प्लूरल, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर कर रहा था। यानी एरर हर हाल में थर्ड पार्ट के अंदर ही बनता। अब आप एक बार स्कोर देख लो। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इशूड लाइसेंसेज टू फार्मर्स अलाउइंग देम टू सेल इट्स वेजिटेबल टू होटल्स। स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, उन्होंने क्या किया जी, किसानों को लाइसेंस दे दिया और उनको इजाज़त दे दी कि भाई आप अपनी सब्जियां सीधी सीधी होटल या फिर ढाबे मालिकों को दे सकते हो। तो अब मुझे एक बात बताओ, वेजिटेबल्स के लिए क्या आ रहा है? इट्स डिटरमाइनर आ रहा है। वेजिटेबल के लिए इट्स डिटरमाइनर आ रहा है, हमें तो पता है। हमें क्या पता है जी, हमें पता है कि भाई वेजिटेबल्स किसकी है, वेजिटेबल्स पर किसका हक है? वेजिटेबल्स पर हक है फार्मर्स का। वेजिटेबल्स है किसकी? वेजिटेबल्स फार्मर्स की है। यानी अल्टीमेटली जो इट्स है वो फार्मर्स के लिए आ रहा है, तो एक गलत यूज़ कर रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इट्स होता है ये तो इंडिविजुअलिटी शो करता है, इंडिविजुअलिटी ही शो करता है जी, कि कोई इंडिविजुअल बात करेगा। यानी इट्स इंडिविजुअलिटी शो करता है, इसीलिए ये किसके लिए यूज़ आता है जी, सिंगुलर के लिए यूज़ आता है। लेकिन जब ग्रुप वगैरह को शो करवाना हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो, है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशंस हो, तब हम उसके लिए क्या लगाते हैं जी, तब हम उसके लिए लगाते हैं देयर। क्या लगाते हैं? देयर। तो भाई फार्मर एक है या ग्रुप है? ग्रुप है, कई सारे हैं, प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे जी, देयर। तो देयर वेजिटेबल्स। यहाँ एरर किसके अंदर बनता जी, फोर्थ पार्ट के अंदर इसमें एरर बनता, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो इसके अंदर क्या कहता है, रिप्रेजेंटिंग एन इमेज एक्यूरेटली रिक्वायर ए ग्रेट मैनी बाइट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। एक पिक्चर को ढंग से रिप्रेजेंट करवाने के लिए ए ग्रेट मैनी बाइट, बहुत सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम जब एडजेक्टिव पढ़ते हैं तब हम सीखते हैं कि जो ए ग्रेट मैनी होता है ये एक्चुअली में मेरा
प्लूरल सब्जेक्ट होता है, क्या होता है जी, ए ग्रेट मैनी होता है, ये एक्चुअली में प्लूरल होता है, तो इसके बाद में हमें प्लूरल नाउन लगाना होता है, लेकिन यहाँ तो वाइट लगा रहा था, यही गड़बड़ कर रहा था, तो इसका प्लूरल लगाते क्या, वाइट्स, अब ये करेक्ट हो जाता है, यानी एरर बनता थर्ड पार्ट के अंदर। अब आ जाओ अगले में, अगले में क्या कहता है जी, अगले में कहता है भाई दो पार्ट के अंदर एरर, और आपको पहचानना है कौन कौन से दो पार्ट के अंदर एरर है। देखो क्या कहता है, द कॉप्स वर कल्चर्ड एंड नॉट एट ऑल सेवेज, जो कॉप्स थे ना पुलिस वाले थे वो कल्चर्ड थे, नॉट एट ऑल सेवेज, सेवेज क्या होता है जी, सेवेज होता है क्रूल, उग्र, दुष्ट किस्म के, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज हिज कैप्चर, पहली बार अपनी कैप्चर यानी उसको गिरफ्तार होने के बाद से, जेड, जेड को क्या लगा, हेल्ड ए शिमर ऑफ होप, उसे उम्मीद की एक किरण दिखी, शिमर का मीनिंग क्या होता है जी, एक तरह की लाइट, सॉफ्ट लाइट, या फिर इसका मीनिंग होता है चमकना, टिमटिमाना, कुछ ऐसी सेंस, ठीक है, दैट क्या होप दिखी उसे, दैट ही माइट फाइंड सम सेम्बलेंस ऑफ हैप्पीनेस अगेंस्ट, अगेन सेम्बलेंस क्या होता है जी, सेम्बलेंस होता है झलक, ठीक है। अब एक बात समझो, बिकॉज तो कोई रीज़न बताती है, बिकॉज तो कोई क्या बताती है जी, रीज़न बताती है, यहाँ रीज़न थोड़ी बता रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम उसको पकड़ने के बाद से पहली बार कॉप्स को देख के उसे लगा कि भाई ये कॉप्स जो थे कल्चर थे, कि उसकी ज़िंदगी में फिर से अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन उसे मिलेंगे, ऐसी बात कर रहा है, तो मुझे यहाँ कोई रीज़न नहीं बताना, रीज़न नहीं बताना तो मैं बिकॉज को नहीं लगा सकता, और फिर मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा जी, मुझे लगाना पड़ेगा सिंस, पास्ट का स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाने के लिए, यानी एक एरर तो ये कर रहा था बी के अंदर, दूसरा एरर इसने क्या किया जी, दूसरा एरर इसने किया, शिमर ऑफ होप नहीं होता, शिमर ऑफ होप नहीं होता, जो करेक्ट फ्रेज होता है वो क्या होता है, ग्लिमर ऑफ होप होता है, हालांकि ग्लिमर और शिमर दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन फिर भी जो फ्रेज होता है वो ग्लिमर ऑफ होप होता है, ग्लिमर ऑफ होप का मीनिंग क्या होता है जी, ग्लिमर ऑफ होप का मीनिंग होता है ए स्मॉल साइन ऑफ रिलीफ, आशा की एक किरण या फिर उम्मीद, ठीक है। तो यहाँ एरर किसके अंदर था, बी पार्ट में और सी पार्ट के अंदर एरर था, यानी इसका आंसर लगता है ये सी, ठीक है। अब देखो आगे 37 में क्या कहता है जी, जोशन नैश इज 19 ईयर ओल्ड इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, एक 19 साल का इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है जोश, जॉन नैश इसका नाम है, इन इज फर्स्ट 14 मंथ्स ऑफ द कोर्स, अपने कोर्स के पहले शुरुआत के 14 मंथ में इसने क्या किया थी, प्रोड्यूस दी वर्क, कोई वर्क प्रोड्यूस किया, दैट गॉट हिम, जिसने उसे नोबेल प्राइज दिलाया फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गेम थ्योरी इन 1994। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, पास्ट की बात कर रहे हैं, इन हिज फर्स्ट 14 मंथ ऑफ कोर्स, यहाँ से मुझे पता लगा कि कोर्स के शुरुआत के 14 महीनों में उसने कुछ किया, और अब तो कोर्स या तो पूरा हो गया या भाई ये 14 मंथ तो गुजर चुके, तो अगली वाली चीज़ ना पास्ट में लगानी थी, इसने प्रोड्यूस क्यों लगाया, यहाँ क्या लगाता जी, प्रोड्यूस्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाता, प्रोड्यूस लगाता, और आगे फिर गड़बड़ कर गया, फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, नहीं देयर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, कॉन्ट्रीब्यूशन तो इस अकेले लड़के का है, इंडिविजुअलिटी दिखानी है, सिंगुलर दिखाना है, तो देयर की बजाय क्या लगाना पड़ेगा आपको, इट्स लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ एरर किस किस पार्ट के अंदर है जी, एरर एक तो सी पार्ट के अंदर है और एक एरर है बी पार्ट के अंदर है, यानी इसका आंसर बनता सी, 37 का आंसर लग जाता जी सी, 37 का आंसर लग जाता सी, ठीक है ठीक है। अच्छा एक सेकंड, फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गेम थ्योरी, देयर क्यों, देयर के बाद मैंने आपको इट्स बताया भाई, इट्स भी क्यों, जब ये एक नाउन है, ये एक नाउन है, अब तो डिफाइंड है, इट तो जब आता है जब इम्प्रॉपर हो, हमें पता नहीं थी क्या चीज़ है, लेकिन ये तो एक पर्सन है, एक पर्सन है, डिफाइंड है, तो फिर इट्स की बजाय ना मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हिज लगाना पड़ेगा, इससे रिलेटेड इसका पोजेसिव प्रोनाउन जो मुझे लगाना पड़ेगा वो मुझे हिज लगाना पड़ेगा, एरर वहीं बनता लेकिन करेक्शन इट्स की बजाय आप हिज लगा के करते। आगे देखो क्या कहता है, इन 1890 में क्या हुआ जी, चेंजेस इन द स्कूल सिस्टम अनफेवरेबल टू द रोमन कैथोलिक चर्च लेड टू एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल टू विच वाज ड्यू द डिफीट ऑफ फेडरल मिनिस्ट्री ऑन 1896। 1990 में क्या हुआ, इन 1890 चेंज किया स्कूल सिस्टम के अंदर, कोई बदलाव किया जो कि अनफेवरेबल था, किस चीज़ से, रोमन कैथोलिक चर्च सिस्टम से, इसकी वजह से क्या हुआ, लेड टू एन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, एक संविधानिक संघर्ष शुरू हो गया, टू विच, जिस कारण, ड्यू का मतलब कारण, उस कारण से आगे जाके डिफीट हुई, किसकी डिफीट हुई, फेडरल मिनिस्ट्री की, कौन से ईयर में, 1896 के अंदर। तो अब बात कर लो एरर की, एरर इसने बहुत सारे किए
है ना, बेसिक से ही एरर किए। सबसे पहली चीज़ इसने एरर की, मुझे पता था स्ट्रगल एक नाउन है और नाउन है तो उसके लिए कोई आर्टिकल आया, लेकिन अगर पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ तो भाई साउंड कैसी आ रही थी, यहाँ तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही थी। कॉन्सोनेंट साउंड जब भी आती है तो फिर एन आर्टिकल नहीं लगता, ए आर्टिकल को लगाया जाता है। वोल साउंड आए तो हम एन आर्टिकल लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड आए तो हम ए आर्टिकल को लगाते हैं। तो यहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूशनल में एन आर्टिकल लगा रहा है, तो एक गड़बड़ तो ये यहाँ कर गया, इसको हटाओ। दूसरी चीज़ क्या कर गया जी, ओन 1896 नहीं था भाई, ओन 1896 नहीं, ओन तो डेट्स को बताता है, ओन तो कोई पर्टिकुलर डेट को बताएगा, ओन 9 जुलाई 1995 एक इसने पर्टिकुलर डेट बता दी। लेकिन जब ईयर बताना हो, जब कोई ड्यूरेशन बतानी हो, एक पर्टिकुलर इवेंट बताना हो ना, तब हम डेट के लिए ओन लगाते हैं, एक पर्टिकुलर इवेंट बताना हो। लेकिन यहाँ तो सीरीज ऑफ चेंजेस बता रहा है, तो एक तरह की ड्यूरेशन बतानी है, और जब इस तरह की सेंस देनी हो तो फिर ओन 1896 नहीं, यहाँ क्या लगाता है, यहाँ लगाता प्रपोजिशन इन। यही देख लेते हैं, यहाँ स्टार्टिंग में भी इन लगा रहा था तो यहाँ ओन कैसे लगाएगा, यहाँ भी इन लगाएगा, ठीक है। यानी इसके अंदर जो आपको एरर मिले वो मिला, एक तो डी पार्ट के अंदर मिल गया आपको एरर, और एक आपको मिला सी पार्ट के अंदर। एक तो आपको डी पार्ट के अंदर एरर मिला जी, एक आपको मिला सी पार्ट के अंदर। यानी इसका आंसर लग जाता जी बी, इसका आंसर क्या लग जाता, बी, ठीक है। डी और सी के यही ऑप्शन थे। आगे देखो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं बर्ड्स नेविगेट थ्रू सेंसिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मोबाइल रेडिएशंस आर नोन टू डिस्टर्ब इट एंड इंटरफेयर विद देयर मूवमेंट। कहते हैं जो बर्ड्स होते हैं ना, ये नेविगेट करते हैं कैसे, बर्ड्स जो होते हैं ये नेविगेट करते हैं कैसे जी, थ्रू सेंसिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स की हेल्प से, एंड मोबाइल रेडिएशंस जो होती हैं वो इनको डिस्टर्ब करती है और इंटरफेयर करती है इनके मूवमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ एरर कहाँ मिला, आ जाओ, एक तो एरर मिला प्रेपोजिशन का, थ्रू नहीं, जब आपको कोई मीडियम दिखाना हो ना, कोई जरिया दिखाना हो कि कैसे, तो आप लगाओगे बाय, क्या लगाओगे, बाय प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर बर्ड्स नेविगेट बाय सेंसिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मोबाइल रेडिएशंस आर नोन टू डिस्टर्ब इट, इट नहीं, अब यहाँ वही वाली बात है, इट तो जब आता जब इम्प्रॉपर होता है ना, पता नहीं होता क्या है, लेकिन यहाँ तो पता है बर्ड्स के लिए आया, तो मुझे इट को हटा के क्या लगाना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा जी देम, मुझे क्या लगाना होता जी, मुझे लगाना होता देम। यानी एक गड़बड़ कर रहा है ए में, एक गड़बड़ कर रहा है सी में, आंसर इसका बनता है डी। नेक्स्ट को देखते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या कहते हैं, व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी स्लोज डाउन इन ऑर्डर टू कंजर्व एनर्जी एंड कीप द बॉडी वॉर्म, एंड कीप द बॉडी वॉर्म। आ जाओ देखो, कहते हैं जब भी टेम्परेचर गिरता है ना, तो क्या होता है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। क्यों स्लो डाउन हो जाता है, इन ऑर्डर टू कंजर्व एनर्जी, ताकि एनर्जी को बचा सके और बॉडी को हमारी वार्म रख सके, क्या रख सके जी, गर्म रख सके। अब एक बात सीखने वाली मिली, बॉडी भाई, बॉडी का मतलब तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बॉडी का मतलब तो होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकता हूँ मैं, है ना, बॉडी का मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी कह दूँ, कोई इंस्टीट्यूशन कह दूँ, यानी बॉडी का मतलब तो बहुत सारे हो गए, लेकिन मुझे कैसे पता कि ये ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है। यानी इस बॉडी को ना, इस नाउन को डेफिनेट करना पड़ेगा दी लगा के, क्या लगा के जी, दी लगा के। यानी यहाँ पर एक तो बी में गड़बड़ किया, क्या आता द बॉडी, देखो आगे भी तो लगा रहा है द बॉडी, है ना, यानी एक तो एरर किया है इसने बी पार्ट के अंदर। दूसरी चीज, इन ऑर्डर टू होता है, इन ऑर्डर टू होता है, इन ऑर्डर्स टू तो जैसा कुछ होता है नहीं, यहाँ एस क्यों लगा रहा है, इस एस को हटाओ, यानी एक गड़बड़ की इसने सी के अंदर, बी और सी। इन ऑर्डर टू का मीनिंग क्या होता है, इन ऑर्डर टू का मीनिंग होता है एक तरह का नेक्स्ट स्टेप एक सीक्वेंस के अंदर, है ना, नेक्स्ट स्टेप इन ए सीक्वेंस। भाई जैसे आप एक बात समझो, क्यों करती है, ताकि एनर्जी और इसको एनर्जी को कंजर्व किया जा सके और बॉडी को वार्म किया जा सके, यानी एक नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर एक तो फ्रेज यूज गलत किया, इन ऑर्डर टू होना है और ऊपर से यहाँ द बॉडी आना है, तो आंसर लगता जी इसमें गड़बड़ की इसने बी और सी में, इसका आंसर लग जाता सी, बी और सी में गड़बड़ कर रहा था, तो इसका आंसर क्या आता जी सी। अब आगे देखो, इसके अंदर फिलर्स दिए थे, ठीक है, जिसमें से आपको चूज करना था कि कौन से वाला आएगा। अब एक बात देखो क्या कहता है ये, ये कहता है शी हैड टू कीप ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू आइडियाज इन हर डांस टू सपोर्ट हर चीफ पोजिशन इन द डैश। भाई उसको ना
ब्रिंगिंग फोर्थ, लगातार अपने नए आइडियाज़ को लाते रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? ताकि उसकी जो चीफ पोजीशन है, जो मेन पोजीशन है इन दी डैश, कहीं पर वो बनी रहे। इस तरह की कोई सेंस देना चाहता है। अब एक बात मुझे बताओ, जो कमेटी क्या होती है? कमेटी तो होता है ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, लोगों के एक समूह को कमेटी कहते हैं, जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनाया गया हो। कमेटी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। तो डांसर्स की कमेटी जैसी चीज़ तो हमने आज तक सुनी नहीं, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं आ सकती। अब बारी कर लो पार्टी की। तो पार्टी, भाई पार्टी भी कोई ग्रुप ऑफ पीपल होगा, या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हो, या कोई ऐसी पार्टी जिसको कोई पेमेंट वगैरह करनी हो, या फिर पार्टी का मीनिंग होता है कोई इवेंट। तो ऐसी भी कोई सेंस नहीं दे रहा था। ये भी हट गया, ये भी हट गया। आंसर क्या बचा जी? ट्रूप। आंसर क्या बचा जी? ट्रूप। हम जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम अच्छे से सीखते हैं कि ग्रुप ऑफ डांसर्स हो, ग्रुप ऑफ एक्टर्स हो, इन सारे ग्रुप्स को, ग्रुप ऑफ सिंगर्स हो, इन सारे ग्रुप को हम एक तरह का ट्रूप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेस्ट चॉइस बनता वो सेकंड वर्ड बनता, ओनली टू। ठीक है, बी इसका आंसर आ जाता। आगे देखो क्या कहते हैं। आगे कहते हैं जी, द ग्लेन इज डीपली एनक्लोज्ड बाय लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस, ईच साइड डैश ऑफ ए सक्सेशन ऑफ पीक्स लिंक्ड बाय रिजिस। ग्लेन नाम का कोई बंदा है। द ग्लेन इज डीपली एनक्लोज्ड बाय, एक सेकेंड, ग्लेन नाम का कोई बंदा नहीं है भाई। ग्लेन नाम की कोई जगह होगी, जो वो जगह है ना उसको क्या किया है जी? डीपली एनक्लोज, उस जगह को एनक्लोज किया हुआ। एनक्लोज का मतलब घेर रखा है उसको। डीपली किसने? लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस ने। लॉफ्टी का मतलब अट्रैक्टिव माउंटेन रेंजेस, यानी ये कोई जगह है, इसके आर बार ये सारे अट्रैक्टिव पहाड़ हैं, इन्होंने इस जगह को क्या कर रखा है जी? घेर रखा है। बात क्लियर हो गई। आगे क्या कहते हैं, ईच साइड डैश ऑफ ए सक्सेशन ऑफ पीक, हर साइड क्या है? सक्सेशन ऑफ पीक्स है, पीक्स है, छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, लिंक्ड बाय रिजिज, रिजिज होता है पर्वत श्रेणी। तो तुम एक बात बताओ, ईच साइड डैश ऑफ, ये कोमा लगाया, कोमा लगा के आगे कोई सेंटेंस बना रहा होगा, जब भी तो कोमा से जोड़ रहा है। ईच मुझे पता लगा जी एडजेक्टिव है, साइड मुझे पता लगा जी कोई ना कोई नाउन है, यानी इसके अंदर वर्ब ही नहीं आई, और वर्ब नहीं आई तो सेंटेंस बनता कैसे? तो यहाँ जो फिलर था इसके अंदर कोई ना कोई वर्ब आनी है। अब ढूंढ लो वर्ब क्या है, फॉर्म्ड, फॉर्मेशन या फिर फॉर्मली। फॉर्मेशन तो कोई नाउन होता है सिखा, या जिसके पीछे शन होता है, या फिर द आर्टिकल लगा के देख लेते द फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन तो कोई नाउन था। फॉर्मली कोई एडवर्ब थी, वर्ब क्या बचती? फॉर्म्ड बचती। तो यहाँ क्या आता, आंसर आता ईच साइड फॉर्म्ड ऑफ ए सक्सेशन ऑफ पीक्स लिंक्ड बाय रिजिस, की हर साइड ना भाई छोटी पहाड़ियाँ हैं जो उसको लिंक करती है पर्वत श्रेणी से। तो यहाँ फर्स्ट आंसर आता, फर्स्ट ऑप्शन था जी ओनली ए। ठीक है, अब आप एक बारी नेक्स्ट को पढ़ लो। नेक्स्ट में क्या कहता है जी, द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैड ए डैश इंटरेस्ट इन सीइंग दैट देयर ओन ब्रांडेड ड्रग्स वर प्रिस्क्राइब। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ना, दवाइयों की इंडस्ट्री है, अब उसे भी एक तरह का इंटरेस्ट है ये चीज़ देखने में कि भाई उनकी ब्रांडेड ड्रग्स को कौन कौन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। बात क्लियर? तो यहाँ ना हार्ड इंटरेस्ट नहीं आना था, हार्ड इंटरेस्ट जैसी कोई बात नहीं करता जी। एक बात बताओ, कोई एक इंडस्ट्री है वो अपनी दवाइयाँ बना रही है, तो सिर्फ ये थोड़ी है कि उसने दवाइयाँ बना दी और उनका बिजनेस पूरा हो गया, उनको उसकी सेल भी तो बढ़ानी है। अगर उनको सेल बढ़ानी है तो उसको इस बात में इंटरेस्ट भी तो करना पड़ेगा कि कौन कौन उनकी दवाइयाँ लिख रहा है, कौन कौन उनको प्रिस्क्राइब कर रहा है। इसीलिए तो MR रखती हैं कंपनियाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखती है। आपने देखा नहीं, डॉक्टर्स के पास कई बार जाते हैं, लेदर का बैग टांगे हुए एक लड़का होता है, है ना, वो लड़का क्या करता है जी, वो लड़का अलग अलग दवा कंपनियों की दवाइयाँ लेकर आता है, डॉक्टर के पास में बैठा होता है, डॉक्टर से बात करता है, जी हमारी दवाइयाँ लिखो, आपका 5% कमीशन, 3% कमीशन, उसको बोलते हैं MR। यानी अब इस इंडस्ट्री को ना इस चीज़ में भी तो इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा कि उनकी दवाइयों को प्रिस्क्राइब कौन करे, भाई बना के रख दी, बिके ना बिके, उस चीज़ के लिए भी तो उनको देखना पड़ेगा ना। MR की जॉब का मैंने भी काम किया हुआ है, 1-2 महीने मैंने भी ये जॉब की थी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट कैसा होगा? हार्ड इंटरेस्ट नहीं, उनको तो पसंद है ये चीज़, तो या तो कह सकते हो भाई लेगिशीमेट। लेगिशीमेट का मतलब होता है विच कैन बी डिफेंडेड, कि वो क्यों इंटरेस्ट रखती हैं, वो इस बात को डिफाइन कर सकती है, भाई उनका बेनिफिट है। दूसरी चीज़ आप क्या लगा सकते थे जी? सडन, कि भाई आजकल उनको अचानक से ऐसा इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पर ना फर्स्ट और थर्ड आंसर आ सकते थे, सेकेंड आंसर नहीं आता। सेकेंड आंसर हटाओ, सेकेंड आंसर हटाओ, क्या आंसर बचा? बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ई इसका आंसर बन जाता। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहता है जी, इट मस्ट बी डिफिकल्ट टू डैश विद 3 small children एंड ए जॉब। ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है कि भाई 3-3 छोटे बच्चे संभालना और साथ ही साथ नौकरी भी संभालना। तो हमें पता था टू, हम सारे सीख गए थे कि टू के बाद अगर वर्ब आएगी तो V1+
V1 फॉर्म में आए या फिर V1 प्लस ING में आए, V1 प्लस ING में आएगी तो वो नाउन की तरह काम करेगी, और जब 2 प्लस V1 आएगा तो इन्फिनिटिव की तरह काम करेगा। तो मुझे तो यहाँ इन्फिनिटिव की तरह काम करवाना था। इट मस्ट बी डिफिकल्ट टू वट, टू कोप विद 3 स्मॉल चिल्ड्रन एंड ए जॉब। भाई 3 छोटे छोटे बच्चे और एक नौकरी को साथ में मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। इसका आंसर आता ओनली फर्स्ट, यानी ए इसका आंसर बन जाता। अब देखो 45th के अंदर क्या कहता है। 45th के अंदर कहता है जी, इन सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका इडली बैटर इज डैश इन मोल्ड्स मेड ऑफ फ्रेग्रेंट स्क्रू पाइन लीव लोकली नोन एज कैडगी। वहाँ का कोई नाम है भाई। कर्नाटका में क्या होता है, इडली बटर उनकी कोई डिश है, उसको डैश किया जाता है कहाँ पर, इन मोल्ड्स ऑफ, मोल्ड होता है जी सांचे, किस चीज़ से बने हुए हैं वो सांचे, फ्रेग्रेंट यानी फ्रेग्रेंस वाली चीज से बने हुए हैं, किससे, फ्रेग्रेंस से, और पाइन लीव्स, पाइन लीव्स का मतलब भाई उनकी कोई डिश है, उनको बनाते हैं, उन साँचों के अंदर डालते हैं जिनके अंदर पाइन लीव होते हैं। ये ताड़ का वृक्ष होता है, देवदार का वृक्ष ऐसे करके होता है, गूगल पे सर्च कर लेना, उसके पत्तों में इस चीज़ को बनाते हैं, उसको पकाते हैं, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, यहाँ क्या आ सकता था, अब हमें क्या पता उस डिश को कुक किया जाता है या हीट किया जा सकता है, प्रिपेयर भी, यानी तीनों ही वर्ड अप्रोप्रिएट थे, कुक भी हो सकता है, उसको हीट भी किया जा सकता है और प्रिपेयर भी, तो ऑल दी ऑप्शंस वर करेक्ट, यानी ए बी सी ई इसका आंसर हो जाता। आगे देखो 46 में क्या कहता है जी, द एमएसएमई सेक्टर फेसेस ए वाइड क्रेडिट गैप। जो एमएसएमई का सेक्टर है ना, फेस करता है एक वाइड क्रेडिट गैप को। एमएसएमई छोटी कंपनियों वाला जो सेक्टर होता है, छोटी मोटी कंपनियों का जो बनाते हैं, ए वाइड क्रेडिट गैप ड्यू टू द लैक ऑफ डैश, किस वजह से लैक ऑफ डैश अमंग एमएसएमई अबाउट लोन अपॉर्चुनिटी एंड क्रेडिट एलिजिबिलिटी। भाई जो एमएसएमई के ये छोटी कंपनियां होती है, ये क्यों नुकसान में जाती है, क्योंकि इनको क्या है, उनको लोन की अपॉर्चुनिटीज नहीं पता कि आपको इस समय लोन मिल सकता है, और क्रेडिट एलिजिबिलिटी, भाई लोन लेने के लिए आपके क्रेडिट क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या आपके क्राइटेरिया होने चाहिए, वो नहीं पता। तो वो क्यों एक वाइड क्रेडिट गैप क्रिएट है, क्योंकि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि उनके पास में नॉलेज नहीं है। रिकॉग्नाइजेशन तो होता है पहचान, तो पहचान जैसी बात नहीं, उनके पास में उस प्रोसेस की, उन अपॉर्चुनिटीज़ की, उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ना तो अवेयरनेस है और ना ही क्या है जी नॉलेज है। इसीलिए इसका आंसर होता ए एंड सी, ए पार्ट इसका आंसर लग जाता। अब आप एक बारी देख लो, इनको क्या करना था जी, इन वर्ड्स को रिप्लेस करना था, इन वर्ड्स में रिप्लेसमेंट करनी थी, हमने देखा था अगर गड़बड़ थी तो। अब आप एक बात ढूंढो, हमने क्या सीखा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से करेंगे, है ना। तो देखो क्या कहता है, फर्स्ट में क्या कहता है, ब्लैक सिमस्ट्रेस। सिमस्ट्रेस क्या होता है जी, दर्जी नहीं होता क्या, मैं आदमी काम करता है दर्जी का तो उसको दर्जी कह दिया। एक हिंदी में वर्ड होता है दर्जन, जो फीमेल होती है ऐसे स्विंग का काम करती है, उसको क्या कहते हो आप, सिमस्ट्रेस कह सकते हो, जो बेसिकली अपना गुजारा कपड़े वगैरह सी के इस माध्यम से अपनी रोजी रोटी निकाल ले। अब आगे क्या कहता है जी, ब्लैक सिमस्ट्रेस रोजा पार्क्स, ये उसका नाम है, रिफ्यूज टू, उसने मना कर दिया टू गिव डैश ऑन हर सीट, टू गिव ऑन हर सीट टू ए वाइट मैन अप ए बस, टू ए वाइट मैन अप ए बस इन मोंटगोमरी एंड द मूव हेल्प्ड लॉन्च द सिविल राइट्स मूवमेंट। भाई एक ब्लैक वुमेन थी जिसका नाम था रोजा पार्क, उसने मना कर दिया, टू गिव ऑन नहीं, गिव अप। देखो गिव अप का मतलब ही क्या होता है, सरेंडर कर देना, विलिंगली अपनी कोई चीज़ को दे देना। तो उसने मना कर दिया कि मेरी सीट नहीं दूंगी, किसे नहीं दूंगी, टू ए वाइट मैन कहाँ पर, ऑन ए बस, बस के अंदर, इन मोंटगोमरी, ये कोई जगह है, और इस मूव ने, उसकी इस डिसीजन, उसके इस स्टेप की वजह से क्या हुआ, हेल्प हुई क्या, कि आगे लॉन्च किया गया सिविल राइट मूवमेंट लॉन्च किया गया। तो हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा जी गिव के साथ अप आता है, यानी थर्ड को तो हर हाल में रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ऑप्शन ढूंढो, ये भी हट गया, या तो थर्ड और फोर्थ को रिप्लेस करो या फिर सेकेंड और थर्ड को रिप्लेस करो। अब आप देख लो, थर्ड और फोर्थ को रिप्लेस करने का कोई तुक ही नहीं था, बस के अंदर की बात थी तो हमें पता था ओने बस आना था, यानी सेकंड और थर्ड को ही रिप्लेस करते, डी आंसर आता। आगे देखो क्या कहता है, द अटैकर्स विक्ट्री वेंट टू द अटैकर्स विक्ट्री, एक सेकंड बॉक्स बनाने दो इसके ऊपर, द अटैकर्स विक्ट्री वेंट टू जोफ्रे एंड द फ्रेंच जनरल स्टाफ who took advantage of German overextension to snatch their strategic initiative from the real।
भाई मुझे यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लगी लास्ट वाले में रियल, देखो एक बात पता लगा, विक्ट्री तो किसी की भी हो सकती है, कहते हैं अटैकर्स की विक्ट्री जिन्होंने अटैक किया वेंट टू जोफ्रे, वो किसको जाती है जी, जोफ्रे को जाती है, जोफ्रे कोई पर्सन है भाई, उसका क्रेडिट जोफ्रे को मिलता है एंड दी फ्रेंच जनरल स्टाफ, और फ्रेंच जनरल स्टाफ को भी हु टुक एडवांटेज, जिसने एडवांटेज भी उठाया किस चीज़ का, जर्मन के ओवर एक्सटेंशन का, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्नैच कर दिया, क्या किया जी उन्होंने स्नैच कर दिया, टू स्नैच द स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव उन्होंने स्नैच कर लिया, कि भाई उनकी स्ट्रेटेजी छीन ली फ्रॉम दी डैश रियल। अब यहाँ गड़बड़ लगी, तो मुझे एक बात पता लगी कि भाई द रियल गड़बड़ थी, यानी फोर्थ पार्ट में तो गड़बड़ थी, अब मुझे पता लगा अगर फोर्थ में गड़बड़ थी तो इस रियल को लगाऊं कहाँ, फिट कहाँ करूं, फिर मुझे थोड़ा सा पढ़ के पता लगा कि रियल विक्ट्री नाम की कोई चीज़ होती है, कि असलियत में जीत का श्रेय किसे जाता है जी, जोफ्रे को और फ्रेंच जनरल स्टाफ को जाता है, जिन्होंने ना एडवांटेज उठाया जर्मन के ओवर एक्सटेंशन का, और उनकी जो स्ट्रेटेजी थी उसको उनसे छीन लिया, इस तरह की कोई सेंस दे रहा है, कोई पुरानी घटना है, तो मुझे पता लगा वन और फोर में इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर द रियल आ जाएगा, फोर्थ की जगह क्या आएगा वन, और अटैकर्स यहाँ जाएगा फ्रॉम दी अटैकर्स, अटैकर से उन्होंने उनकी स्ट्रेटेजी ही छीन ली, वन और फोर्थ में आपको इंटरचेंज करना पड़ता, डी ऑप्शन होता। आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है जी डोड फ्रेंक कोई नाम है, पुट रेगुलेशन, उसने रेगुलेशंस लगा दी कहाँ पर, ऑन दी फिनेंशियल इंडस्ट्री, फिनेंशियल इंडस्ट्री के ऊपर, और कंपनीज एंड कंपनीज प्रोग्राम्स, कंपनीज प्रोग्राम टू स्टॉप मोर्टगेज क्रिएटेड एंड लैंडर्स फ्रॉम टेकिंग एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर। अब यहाँ गड़बड़ लगी, मोर्टगेज क्रिएटेड क्या होता है, मोर्टगेज तो होता है गिरवी रखना, तो मोर्टगेज करने वाली कंपनियाँ होती है जो गिरवी रख लेती है, तो मुझे पता लगा थर्ड में गड़बड़ हो रही है, थर्ड में गड़बड़ हो रही है, और मोर्टगेज वाली तो कंपनीज होती है, यानी यहाँ पर ना मुझे एक बात पता लगी, सेकंड की थर्ड की जगह हर हाल में सेकंड आना चाहिए, ताकि एक कंप्लीट सेंस मिल पाए, कैसी कंप्लीट सेंस मिले कि भाई एक मोर्टगेज क्या है जी, कंपनी है, एक मोर्टगेज क्या है, कंपनी है। हाँ तो यहाँ लगा के देखो, रिप्लेस कर देते हैं इसको, एक सेकंड रुको पढ़ते हैं, इस क्रिएटेड को यहाँ ले आओ, कंपनी को यहाँ ले आओ, क्या कहते हैं डोड फ्रेंक कोई पर्सन हो या फिर कोई कंपनी, इसने रेगुलेशन लगा दी, रोक लगाई किस चीज़ के ऊपर, ऑन दी फिनेंशियल इंडस्ट्री के ऊपर, फिनेंशियल इंडस्ट्री के ऊपर इसने रोक लगाई, और क्रिएटेड, और इसी ने क्या किया, क्रिएट किया, बिल्कुल सही है, एंड कंजंक्शन ने दो सेंटेंसेज को जोड़ा, जिसका पहली वर्ब थी पुट, उसका सब्जेक्ट था डोड फ्रेंक, और अगले सेंटेंस में वर्ब थी क्रिएटेड, और उसका सब्जेक्ट भी क्या था जी, डोड फ्रेंक था, एंड क्रिएटेड प्रोग्राम्स, और इन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जो स्टॉप करते थे किसको, मोर्टगेज कंपनीज को और लैंडर्स को, किस चीज़ के लिए, फ्रॉम टेकिंग एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स का फ़ायदा उठाने से। इसका आंसर आता 49th का ए, यानी सेकंड और थर्ड, क्या था जी, सेकंड और थर्ड, ठीक है। एक बार ये आप लास्ट को और देख लो, लास्ट में क्या कहता है, लास्ट में कहता है द बोस्टन एरिया वाज पुट ऑन लॉकडाउन, जो बोस्टन का जो एरिया था उसको लॉकडाउन के ऊपर रख दिया, लॉकडाउन लगा दिया, जहाँ स्कूल भी बंद कर दिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भी बंद कर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को भी बंद किया, सस्पेंड किया, और पीपल को सलाह दी गई कि भाई अंदर ही रहो, टू स्टे इनसाइड देयर होम। तो इसमें तो कोई भी गड़बड़ नहीं, सारे वर्ड बिल्कुल ओके लगा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को सस्पेंड कर दिया और एडवाइस किया लोगों को कि स्टे करो कहाँ पर, अपने घरों के अंदर, कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं भी रिप्लेसमेंट नहीं करनी थी। ये थी हमारी आज की शीट, उम्मीद है पसंद आई है, पसंद आई है लाइक करो, नहीं आई तो डिसलाइक करो, कमेंट्स में बताओ क्या गड़बड़ हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।